नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। महादेव भगवान शंकर द्वारा किए जाने वाले अलौकिक नृत्य तांडव में सृष्टि के सृजन व अंत का सार छिपा है। भगवान शिव का नटराज रूप और एक नर्तक के तौर पर किया गया तांडव नृत्य उनके क्रोधित व आनंदमय रूप को पेश करता है। रौद्र तांडव में प्रलय और आनंद तांडव में आनंद की रोमांचकारी प्रस्तुति दिखाई देती है। नटराज रूप में भगवान शिव का तांडव। भगवान शिव के नटराज रूप में किए गए नृत्य को ही तांडव माना गया है। नटराज दो शब्दों के समावेश से बना है, नट अर्थात कला और राज। ज्यादातर लोग तांडव शब्द को शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। नर्तक रूप में भगवान शिव द्वारा किए गए तांडव में भगवान के रौद्र और आनंदमय दो रूपों के दर्शन होते हैं। रौद्र तांडव में भगवान शिव का पहला रूप उनके क्रोध का परिचायक प्रलयकारी रौद्र को दर्शाता है। इस रूप को शिव रुद्र कहा जाता है, जबकि आनंदमय रूप में किए नृत्य को नटराज कहा जाता है। विद्वानों द्वारा शिव के आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है, जबकि शिव के रौद्र तांडव में सृष्टि का अंत हो जाता है। भगवान शिव के नर्तक के रूप में किए गए नृत्य में नृत्य की सभी कलाओं के सहज ही दर्शन होते हैं। इस रूप में शिव की सृजनात्मक शक्ति दिखाई देती है। ऊपर की ओर उठे उनके दूसरे हाथ में अग्नि है। यहाँ पर अग्नि को विनाश का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ यह माना गया है कि भगवान शिव एक हाथ से सृजन व दूसरे हाथ से विलय कर रहे हैं। वहीं दूसरा दाहिना हाथ आशीष मुद्रा में उठा हुआ है, जो हमें बुराइयों से रक्षा करने के रूप में आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। इसके अलावा उनका उठा हुआ पांव मोक्ष का द्योतक है। उनका दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए पांव की तरफ इशारा करता है। इसका अर्थ यह है कि शिव मोक्ष के मार्ग का सुझाव कर रहे हैं, यानी कि शिव के चरणों में ही मोक्ष है। उनके पांव के नीचे कुचला हुआ बौना दानव अज्ञान का प्रतीक है, जिसे शिव नष्ट कर रहे हैं। चारों तरफ उठ रही आग की लपटें इस ब्रह्मांड की तरफ इशारा कर रही हैं। उनके शरीर पर लहराते सर्प कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं। उनकी यह संपूर्ण आकृति ओमकार स्वरूप जैसी दिखाई देती है, यानी कि ओम ही शिव में समाहित है। नटराज के रूप में भगवान शिव की प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति की चार भुजाएं हैं। उनके चारों तरफ अग्नि का घेरा, एक पांव से वह पौने को दबाए हुए हैं, जबकि उनका दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। ऊपर की तरफ उठे अपने पहले दाहिने हाथ में वह एक डमरू को पकड़े हुए हैं। डमरू की आवाज को सृजन का प्रतीक कहा गया है। शास्त्रों में भी वर्णित है तांडव नृत्य। शास्त्रों में प्रमुखता से भगवान शिव और तांडव नृत्य को एक ही माना गया है, परंतु कई काव्य ग्रंथों में दुर्गा, गणेश, भैरव, श्री राम के तांडव का वर्णन भी मिलता है। लंकेश रावण में शिव तांडव स्रोत के अलावा वैश्यवर समाधि रचित दुर्गा तांडव, गणेश तांडव, भैरव तांडव व श्री भागवता नंद गुरु रचित श्री राघवेंद्र चरित्रम में राम तांडव स्रोत भी प्राप्त होता है। रावण के भवन में पूजन के समाप्त होने पर शिवजी ने महिषासुर को मारने के बाद दुर्गा माता ने गजमुख की पराजय के बाद गणेश जी ने ब्रह्मा के पंचम मस्तक के छेद के बाद आदि भैरव ने एवं राम के वध के समय भगवान श्री राम ने भी तांडव किया था। भगवान शिव ने धरती पर राधिका का रूप धर किया था रास। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के तांडव नृत्य में एक बार सम्मिलित होने के लिए समस्त देवगण उपस्थित हुए। माता गौरी की अध्यक्षता में तांडव का आयोजन किया गया। देव ऋषि नारद भी इस नृत्य कार्यक्रम में खास तौर से सम्मिलित हुए। कुछ समय बाद भगवान शिव ने भाव विभोर होकर तांडव नृत्य प्रारंभ किया। नृत्य के दौरान सभी देवी देवता विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने लगे। माँ सरस्वती वीणा वादन, भगवान विष्णु मृदंग, देवराज इंद्र बांसुरी बजाने लगे, जबकि भगवान ब्रह्मा जी हाथ से ताल देने लगे और माता लक्ष्मी जी गायन करने लगी। भगवान शिव ने प्रदोष काल में नृत्य का प्रदर्शन किया। अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती माँ ने शिव जी से कहा कि हे भगवान, आज आपके इस नृत्य से मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप आज मुझसे कोई वर प्राप्त करें। आशुतोष भगवान शिव ने नारद जी की प्रेरणा से कहा कि हे देवी, इस तांडव नृत्य का जिस तरह आप सबने आनंद उठाया है, मेरी इच्छा उसी तरह से है कि पृथ्वी के प्राणियों को भी इसका दर्शन प्राप्त हो सके, किंतु मैं अब तांडव नहीं केवल रास करना चाहता हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर माँ भगवती ने समस्त देवताओं को विभिन्न रूपों में धरती पर अवतार लेने का आदेश दिया। भगवान श्याम सुंदर के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान ने ब्रज में राधा के रूप में अवतार ग्रहण किया।
यहां इन दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ अलौकिक रास नृत्य का आयोजन किया। भगवान शिव की नटराज उपाधि यहां भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी। सो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के तांडव नृत्य, जिसमें सृष्टि के सृजन व अंत का सार छिपा है से जुड़ी जानकारी। ऐसे ही किसी विषय से जुड़ी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।